Assalamu alaikum student. Hopefully you will be fine. Today we are going to discuss exercise 2.4, question number 5 and 6. In previous lecture we have already discussed first four number of questions of exercise 2.4. So let's start question number 5. Student, ab chalte hain question number 5 pe. Question number 5 kya hai? If alpha, beta are the roots of 3x square minus 2x plus 5 is equal to 0, ये हमारे पास एक quadratic equation है. Find the equation whose roots are alpha over beta and beta over alpha. इस equation में हमारे पास दो roots हैं, एक है alpha, एक है beta. और equation में यहाँ पे given है. और हमने find करना है जो दो roots हमें गिवन होंगे हैं, दैट इज अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा. ये इन दो रूट्स को यूज करके हमने इस इक्वेशन फाइंड आउट करने हैं. सो नाउ वी हैव एन इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. As we know that a is equal to coefficient of x square, which is 3, b is equal to coefficient of x minus 2, c is constant, which is 5. So ab humne kya karna hai ke roots jo hume given hai, find the equation whose roots are alpha over beta and beta over alpha. इस इक्वेशन के रूट्स हमारे पास हैं अल्फा और बीटा. अब हमने वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स होंगे अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा. फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए. सो बी की वैल्यू है माइनस टू माइनस इंटू माइनस टू डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है 3, which is equal to minus into minus plus 2 divided by 3. So, ab hum find out karte hain product of roots. So, product of roots is equal to alpha beta, which is equal to c over a. So, value of c is 5 and a is 3. So, ye hamare paas product of root aa gaya. अब हम इन दो रूट्स को यूज करके इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. सम ऑफ गिवन रूट्स इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा. सो विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. सो अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 5 वर्ड बच रही. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है. सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है. सो अब क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा एज इट इज. सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज. सो इसे कैलकुलेट करें, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3. सो एलसीएम हमारे पास यहां पे क्या आ गया 9. सो ये आ जाएगा 4, कैंसिल आउट हो जाएगा 9, यहां पे 9 रखेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 3 आ जाएगा. सो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें आगे 30 डिवाइडेड बाय होल एलसीएम 9 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज. अब
40 minus 30 which is equal to minus 26 divided by 9, ये वैल्यू को अगर हम यहां पे डिवाइड हो रही है इधर मल्टीप्लाई करें तो ये रिवर्स हो जाएगी, सो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, सो माइनस 26 इंटू 1, माइनस 26 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5, 15, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा के सम की। अब हमने इन दो रूट्स का प्रोडक्ट लेना है, सो प्रोडक्ट ऑफ गिवन रूट्स इज इक्वल टू अल्फा ओवर बीटा इनटू बीटा ओवर अल्फा। सो अब बीटा बीटा से कैंसिल हो जाता है, अल्फा अल्फा से कैंसिल हो जाता है, सो हमारे पास जस्ट यहां पे क्या रह गया, वन। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू वन, जस्ट वन रह गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, प्रीवियस अगर लेक्चर आपने अटेम्प्ट नहीं किया आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, उसमें फोर नंबर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट हमने सॉल्व आउट किए हैं, उसमें बेसिक्स भी हमने डिस्कस किए हैं। सो हमारे पास इक्वेशन होती है x square minus sum of root into x plus product of root is equal to zero. अब x square has it is sum of root की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, minus 26, so minus 26 divided by 15 into x plus product of root just one है is equal to zero. So अब क्या करना, यहां पे 15 डिवाइड हो रहा है, इन सारी जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये आ जाएगा 15 एक्स स्क्वायर माइनस इनटू माइनस प्लस 26 एक्स हैज इट इज प्लस 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो है 15x square plus 26x plus 15 is equal to 0. So, ये equation है जिसके roots हैं alpha over beta and beta over alpha. So, बहुत easy question है, just हमने क्या किया, first of all इस equation के roots हमें given थे alpha and beta. So, in इस equation से हमने इन इन्हीं दो roots का sum लिया, हमारे पास value आई, then product of root लिया, वो भी value हमारे पास आ गई। अब हमने क्या किया, हमें जो रूट्स गिवन थे उसकी इक्वेशन हमने लेके आनी थी, ठीक है। सो ये रूट्स किस इक्वेशन के रूट्स हैं, इस इक्वेशन के, सो ये इक्वेशन हमने लेके आनी थी। हमने क्या किया, इन दो रूट्स का सम लिया, सम ऑफ रूट्स, देन इन्हीं दो रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिया। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास आ गई थी, हमने इस इक्वेशन से लेके आ गए थे, सो वैल्यू पुट की तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई 15x square plus 26x plus 15 is equal to 0. So student, previous lecture में भी आपको बताया था, ये जो हमारे पास equation है, ये तभी use की जाती है, जब आपके पास roots हों, और आपने equation बनानी है, quadratic equation, so आप ये use करेंगे, x square minus sum of root into x plus product of root is equal to 0. So, इसमें आप सम ऑफ रूट की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू पुट करेंगे और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हैज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 है, बट यहां पर रूट्स थोड़े से डिफरेंट समय गिवन है, सो ये क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। If alpha and beta are the roots of x square minus 4x plus 2 is equal to 0, find the equation whose roots are alpha plus 1 over alpha and beta plus 1 over beta. So, ये हमें दो roots given है, हमने वो equation लेके आनी है जिसके ये दो roots हैं, ठीक है, और ये equation जो हमें given है इसके already root हमें given है alpha and beta. So, first step हमारा ये है कि हम इस इक्वेशन के ये जो रूट्स हमें गिवन है इनका सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लेते हैं, देन प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन पे। सो
सो इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. एज वी नो दैट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज वन, बी इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस फोर, सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू टू. सो नाउ सम ऑफ रूट्स is equal to alpha plus beta which is equal to minus b over a. So minus b ki minus as it is b ki value hai minus 4 divided by a ki value hai 1 minus into minus plus which is equal to just 4. And product of roots is equal to alpha beta which is equal to b over a which is equal to c over a. So value of c is 2 and a is 1 which is equal to 2. So अब हमने sum of root और product of root इस equation के निकाल लिया है. अब हम क्या करेंगे, इन roots, इन दो roots का sum of root और product of root लेंगे, then हम वो equation find out कर पाएंगे. So start करते हैं इसका sum of root. So sum of given roots is equal to alpha plus 1 over alpha plus beta plus 1 over beta. So which is equal to alpha or beta ko aap separate likh lein, alpha plus beta plus 1 divided by alpha प्लस वन डिवाइडेड बाय बीटा आप लिख सकते हैं. इन दो को सेपरेट कर दिया, इन दो को सेपरेट कर दिया है. अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हैज इट इज प्लस इन दोनों के एलसीएम लें तो ये आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा. अगर आप इसे अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं डिवाइड बाय अल्फा बीटा हैज इट इज. अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई थी विच इज इक्वल टू 4, 4 पुट कर दें प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू थी 2. सो अब 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से आ जाएगा 8 प्लस 4 हैज इट इज डिवाइडेड बाय होल एलसीएम 2. सो ये आ जाएगा 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 6. सो सम ऑफ दीज टू गिवन रूट्स आर इक्वल टू 6 एंड नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट. सो प्रोडक्ट्स ऑफ गिवन रूट्स इज इक्वल टू alpha plus 1 over alpha multiplied by beta plus 1 over beta. So which is equal to simple aapne multiplication karni hai, first into second, second into first and second into second. So ye aa jayega alpha into beta, alpha beta. Then alpha into 1 over beta is equal to alpha divided by beta plus 1 over alpha into beta, beta over alpha. Then plus 1 divided by alpha into 1 divided by beta is equal to 1 over alpha beta. ये आ गया. अब इसको रहने दें as it is. अल्फा बीटा हैज इट इज प्लस इन दो का आप एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा हैज इट इज रहने दें. अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की का फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फा बीटा हैज इट इज रहने दें प्लस
इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा एज इट इज रहेगा। सो अगर आप यहां पे वैल्यू पुट करना चाहते हैं, हमारे पास अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म बन गई है, वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो यहां से आप पुट कर सकते हैं। अगर आप इस अल्फा बीटा को तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई, जितनी भी टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसको कैंसिल करना चाहते हैं, तो देन आप कर सकते हैं। बट हम डायरेक्ट यहां पे वैल्यू ही पुट कर देते हैं। सो वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास जस्ट टू प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है फोर, फोर का स्क्वायर आ जाएगा माइनस टू, अल्फा बीटा की वैल्यू है टू प्लस वन डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है टू डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की वैल्यू है टू। सो अब मैं ये रेज करने जा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, देन इसको हम सॉल्व करते हैं। सो अब देखें यहां पे टू हैज इट इज प्लस 4 इंटू फोर 16, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 2 इंटू टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हैज इट इज विच इज इक्वल टू 2 हैज इट इज प्लस 16 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को 12 से कैंसिल आउट करें तो आ जाएगा 6, सो वैल्यू आ गई 2 प्लस 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब 4 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हैज इट इज। अब 2 हमारे पास एलसीएम है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू रूट्स। सम ऑफ रूट भी हम ले आए, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी लेके आ गए। अब हमने जो हमारे पास जनरल फॉर्म है, किसी भी जब भी हमारे पास रूट्स होंगे, किसी कोई भी इक्वेशन बनानी है तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो। इसमें आपने वैल्यू जस्ट पुट कर देनी है। सो एक्स स्क्वायर हैज इट इज माइनस सम ऑफ रूट की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 6 माइनस 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जीरो। सो 2 को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, सो रिजल्ट आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 17 इज इक्वल टू जीरो। सो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। सो आप इसे राइट डाउन कर लें, सो होपफुली आपको अच्छे से इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हमने आज 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। इन्हीं 2 क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के बाद हमारी एक्सरसाइज 2.4 वाइंड अप हो गई है, और नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर 23 में मिलेंगे क्लास 10 के, जिसमें हम सॉल्व आउट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को। सो लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो नया आने वाला लेक्चर होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इजीली वॉच कर सकें। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।